हाय फ्रेंड्स, आवर टुडेस टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। बहुत ही जल्दी समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। लेट सपोज वी हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है? अ बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचोगे उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाएगी। Now let's suppose अगर A और B आपस में जुड़े हुए, अगर A और B आपस में जुड़े हुए तो यहां पे बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन B का, एक इलेक्ट्रॉन A का। मैं इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये बीच में। Now since B is more electronegative than A, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा B की तरफ शिफ्टेड होंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स 100% बी की तरफ शिफ्टेड नहीं होंगे, अदरवाइज इट विल बिकम एन आयनिक बॉन्ड, इट विल नॉट रिमेन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंस ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स का 100% ट्रांसफर तो नहीं होता, इट्स पार्शियल ट्रांसफर। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो बी का खुद का ही था, तो वही इलेक्ट्रॉन जो बी का खुद का है वही बी के पास वापस चला गया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जो इलेक्ट्रॉन ए का था जो अब बी की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, एंड सिमिलरली इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये तो है ओरिजिनल चार्जेस जिनको मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज अ डाइपोल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज। हम डेल्टा माइनस को 1- लिख देते हैं, जो कि असली में नहीं है। हम डेल्टा प्लस को 1+ लिख देते हैं। अगर असली में 1- और 1+ होता तो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, हम इसको आयनिक बॉन्ड बोलते। बट ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली हमें ये बताता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर बी की तरफ टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन बी का ही था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ए का है वो बी की तरफ जा रहा है, तो उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से बी पे 1- चार्ज आएगा। एक्चुअल चार्ज विल बी डेल्टा माइनस, बट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 1-, एंड सिमिलरली यहाँ पे इट विल बी 1+। तो ये जो 1+ और 1- चार्ज यहाँ पे है इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। नाउ अगर ए और बी में डबल बॉन्ड होता, तो डबल बॉन्ड का मतलब है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है बीच में, जिसमें 2 तो बी के हैं और 2 ए के हैं। अब सिंस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बी अपनी तरफ खींच रहा है। अब इन 4 में से 2 तो बी के खुद के ही हैं, तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स खींचने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ए के थे उनको भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इफेक्टिवली इस पर चार्ज आ जाएगा 2- एंड 2+। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड हो तो 3- 3+ भी आ सकता है, बाकी वो बहुत रेयर होता है। देन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक है जो कुछ नहीं देता है और कोई दूसरा है जो दोनों इलेक्ट्रॉन अकेला देता है। तो इस साइन का मतलब यह है कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के थे शुरू में, जो ए ने बीच में शेयरिंग के लिए डाल दी। बट सिंस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली ए के थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी ने खींच लिए, तो बी के पास कितना चार्ज आया? 2- और ए के ऊपर कितना चार्ज आया? 2+। इसी का एक और वर्जन अगर उल्टा होता, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी ने ही इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे तो आ गए बट अभी भी इनको ज्यादा कौन खींच रहा है? बी। तो बी अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। देन ए कमजोर है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, मैं ये बोल सकता हूं कि बी से कमजोर ए है। तो अगर ए कमजोर है और ए अपने ही किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही कमजोर है, तो दोनों में से कोई भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ना ये ना ये, तो इफेक्टिवली इन दोनों पे चार्ज आएगा 0। देन अगर दोनों बी साथ में जुड़े हुए हैं, ये भी ताकतवर है तो दूसरा बी भी तो उतना ही ताकतवर है, तो ये दोनों भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, हेंस इट विल बी 0-0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हमारे पास, नंबर 1 इज थ्रू फॉर्मूला, नंबर 2 इज थ्रू स्ट्रक्चर। तो हम इन दोनों तरीकों से देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। लेट सपोज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है और हमें बोला गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना,
तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको एक्स मान लो। अब हाइड्रोजन इज प्लस वन, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस वन, तो दो हाइड्रोजन पे टोटल मिला के प्लस टू। ऑक्सीजन इज जनरली माइनस टू, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो चार पे मिलके माइनस एट। और ओवरऑल ये जो चीज है ये न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा। तो प्लस टू प्लस एक्स प्लस माइनस एट इज जीरो, जितना भी टोटल चार्ज दिख रहा है प्लस टू एक्स एंड माइनस एट, इन सबका एडिशन जीरो होना चाहिए। तो दैट गिव्स मी दैट एक्स इज प्लस सिक्स। तो फॉर्मूले से आ गया कि सल्फर के ऊपर प्लस सिक्स का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर से देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जो ए बी के साथ सीखा था वही फंडा हमें यहां पे लगाना है। एक एक बॉन्ड को स्टडी करना है। लेट सपोज ओ और एच के बीच का जो ये बॉन्ड है, इट्स अ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहां जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पाएगा माइनस वन और हाइड्रोजन पाएगा प्लस वन। देन अगर आप इस बॉन्ड को देखो सल्फर और ऑक्सीजन का, इट्स अ सिंगल बॉन्ड, यहां पे बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, दो में से एक तो इसका खुद का ही है, तो एक जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से माइनस वन एंड प्लस वन। सिमिलरली यहां भी सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट यहां पे डबल बॉन्ड है, तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स में से दो तो खुद के ही ऑक्सीजन के, जो बाकी दो सल्फर के वो खींच रहे, उसकी वजह से यहां आएगा माइनस टू, यहां आएगा प्लस टू। सिमिलरली इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस वन, सल्फर पे प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पे प्लस वन, ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड है तो यहां पे आएगा माइनस टू और यहां पे आएगा प्लस टू। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हुआ, प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, ओवरऑल मिला के हो गया सिक्स। तो फॉर्मूले से भी तो यही आया था और स्ट्रक्चर से भी यही आया, तो ये हमारे पास दो तरीके। अब हम एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन, HClO4, हमें क्लोरीन के ऊपर बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो हमने इसको एक्स मान लिया, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, तो चारों ऑक्सीजन के ऊपर मिलके माइनस एट हो गया, क्लोरीन के ऊपर तो एक्स है ही और हाइड्रोजन भी एक ही है तो उस पर भी प्लस वन, इन सबका एडिशन ओवरऑल जीरो होना चाहिए, तो प्लस वन प्लस एक्स प्लस माइनस एट इज जीरो, सो एक्स कम्स आउट टू बी प्लस सेवन। स्ट्रक्चर से देखते हैं कि क्या वाकई यही आंसर है। तो इसका स्ट्रक्चर अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अगेन आप एक एक बॉन्ड को देखो, इन बॉन्ड की वजह से माइनस वन प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पे माइनस वन, क्लोरीन पे प्लस वन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये याद कैसे रहेगा, आप ये याद रखो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन एंड द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक है वह है फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड बेस्ट, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन प्लस वन इसकी वजह से आया। नाउ ये डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे माइनस टू, क्लोरीन पे प्लस टू, ये भी डबल बॉन्ड है माइनस टू प्लस टू, ये भी डबल बॉन्ड है माइनस टू प्लस टू, तो इस क्लोरीन पे प्लस टू प्लस टू प्लस टू तीन बार है और प्लस वन एक बार है, तो टोटल मिला के कितना हो गया प्लस सेवन। तो फॉर्मूले से जो आंसर आया था वही आंसर इससे भी आ गया है।